कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ आयुष काढ़ा। आयुष काढ़ा या इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा, ये पीने से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे ये भी मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं आयुष काढ़ा। किसी भी वायरस से हमें लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी या रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी होना बहुत जरूरी है। अभी कोरोना वायरस की वजह से हमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। आयुष मंत्रालय ने बताए हुए जो रोग प्रतिकारक उपाय है उसमें आयुष काढ़ा कैसे बनाते हैं ये भी बताया गया है। ये हम घर में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं काढ़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा। काढ़ा बनाने के लिए मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 काली मिर्चें, 5 या 6 मुनक्का लिया है, तुलसी के पत्ते लिए हैं 7-8 और ये मैंने सूंठ लिया है। आप पाउडर भी ले सकते हैं या अदरक इसके डाल सकते हैं। 2 मैंने इलायची ली है और थोड़ा सा गुड़ लिया है। अब एक बर्तन में मैंने 2 गिलास पानी लिया है। अभी इसमें मैं 3 या 4 काली मिर्च डालूंगी। आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची क्रश की हुई, मुनक्के भी हमको क्रश करके डालना है, तुलसी के पत्ते क्रश किए हुए ताकि उसका अर्क पानी में उतर सके। अभी मैंने 1 चम्मच अदरक क्रश करके लिया है। अभी इसको हिलाते हुए हमें उबाल लेना है। इसको अच्छे से उबाल आ गया है, हमें रिड्यूस करके 1 ही ग्लास पानी रखना है। अभी इसको अच्छे से उबाल आ गया है। अभी इसमें हम गुड़ डालेंगे, गुड़ डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि गुड़ अच्छे से काढ़ा में घुल जाए। अभी थोड़ी देर इसको ढक के रखेंगे। अभी हमारा काढ़ा रेडी है। अभी इसको हम छान लेंगे। आपका शुगर का प्रॉब्लम है तो आप गुड़ की जगह 1/2 नींबू काट करके डाल सकते हैं। ये हमारा काढ़ा बन चुका है। दिन में आप इसे 2 बार पी सकते हो। स्टे सेफ स्टे हेल्दी। तो कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।